स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं का इंग्लिश विषय का, जो कि आपका कल पेपर होने वाला है 2 दिसंबर को, तो उसके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का एक पेपर लेकर आया हूं मैं कक्षा 11वीं वालों के लिए इंग्लिश का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इस पेपर में मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए, ठीक है ना। इसमें मैंने जो भी आप क्वेश्चन जिस नंबर के आते हैं, पूरी इसमें जो भी आपका पैटर्न रहेगा, पूरा पैटर्न इसमें दिया गया है। पूरे पैटर्न के हिसाब से इसमें सभी क्वेश्चन मैंने बताए, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चनों को, और अच्छे से आप उनको तैयार भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा अच्छे से अच्छी देखें। देखिए, जो आपका पैटर्न रहेगा वो आपका 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आएगा। 3 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है। ये आपने देखा, इसके बाद आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा जो पेपर है वो पूरा एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें, इसमें आपके शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले सभी क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जैसे कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, कल आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ आज रात का टाइम है, कल सुबह का टाइम है, तो आप उसको इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने अभी तक जो पढ़ा वो अच्छा पढ़ा, लेकिन आपके पास अब टाइम कम है और कम टाइम में आपको बहुत सारा रिवीजन करना है, ठीक है। तो आप बहुत सारा रिवीजन ना करके आप वो पढ़िए, उसके साथ मैंने ये नहीं बोल रहा कि वो मत पढ़िए, है ना, सब कुछ पढ़िए। उसके बाद आप लास्ट में आप ये वीडियो जरूर देखिए और इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, देखना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आप अच्छी अच्छी मार्क्सिंग कर सकते हैं अगर आप इसको देख लेंगे तो, ठीक है। तो देखिए, हमारा एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए, जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये छठवा क्वेश्चन से इसलिए लाया हूँ, क्योंकि देखिए जो आपके पहले जो क्वेश्चन आपके होते हैं, इसमें मेन मेन क्वेश्चन मैंने शामिल किए जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, जो आपके लिए जिन क्वेश्चन में आपको जो आपकी मार्क्सिंग होती है वो बहुत ही कम आती है, जिसमें जिन क्वेश्चनों में आपके नंबर बहुत कम आते हैं, मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन दिए, ठीक है। तो देखिए, पैसे जैसे तो आप लोगों से अच्छे से आ जाते हैं, ठीक है, कि पैसे को किस तरीके से उसी में से आंसर लिखने निकालने पड़ते हैं, तो वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपको दिक्कत जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा छठवा क्वेश्चन जो जब हमारा आता है तो क्या आता है, देखिए छठवीं क्वेश्चन में हमारी यहाँ पे देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ देम। तो ये आपका एक यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना, और इसी में से अब आपको नीचे के क्या करने हैं, आंसर देने। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत जाने लगती है, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आपने सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए, इसको एक्सट्रैक्ट को इसने आपने देखा, इसको आप देखिए, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट इसी में से पढ़ लीजिए वीडियो में से, ठीक है। तो ये आप आपने पढ़ा, इसके बाद देखिए मैं आपको, अब इसको आप ध्यान से देखिए, मैं आप इनके क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, ये आपका पहला दूसरा, इसके आगे और भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, जो अब ये आपके पूरे क्वेश्चन आ गए, वो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, उसके आपके पूरे क्वेश्चन आ गए, देखिए 3 क्वेश्चन है उसके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए, बिफोर द अराइवल ऑफ द गोल्ड फिंच द लेबरनम ट्री इज, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका साइलेंट सी वाला, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद जो हमारा जो आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट मीन्स अ पुल ऑफ जर्क, तो इसका क्या है, इसका जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सी वाला, सडननेस, ठीक है। इसके बाद तीसरा देख लीजिए, आइडेंटिफाई द पोएट, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, डी में क्या है आपका, मार्कस नेटन, ठीक है, मार्कस नेटन आपका क्या हो जाएगा, नेटन आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरे का आपका डी वाला। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब हमारा 7वां क्वेश्चन आ जाता है, उसमें भी सेम है, इसमें भी वही करना जो आपने पहली छठवी में किया है ना, इसको भी आप ध्यान से इसको पढ़ना है, ठीक है ना, और इसके आंसर देने। तो देखिए, इसको पढ़िए आप अच्छे से और समझिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन पढ़िए, फॉलोइंग दिस एपिसोड व्हाट हैपेंड टू द ग्रैंड मदर इन दी मॉर्निंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए वाला, सी वाज टेकन इल, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला मैंने बता दिया, इसका आंसर क्या है हमारा, सी वाज टेकन इल, ठीक है। इसके बाद व्हाट इज, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ट बाय द फ्रेज द सेगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड, ठीक है, ड्रम, तो इसका जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका बी वाला। इसके बाद तीसरा, इसको पढ़िए, इसका तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, सुन, ठीक है ना, तीसरे का आपका डी वाला, कन्वीनियंस, ठीक है, कन्वीनियंस। इसके बाद देखिए, 3 हो गए,
इसके बाद देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवीं क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना। तो इसको पढ़िए आप क्वेश्चन को, तो इसका पहली का आपका जो आंसर होगा, आप पढ़ते ही आपको जाना है, मैं आंसर बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका पहली का आपका आंसर होगा क्या, माइंड। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, हु सेड वी आर सिंकिंग, इसका आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का आपका बी वाला, क्या है, मेरी। इसके बाद तीसरा देखिए, वी हैव शिफ्टेड फ्रॉम दी मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ दी वर्ल्ड टू आ, तो इसका जो आपका तीसरा वाला क्वेश्चन, देखिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका आंसर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। इसके बाद देखिए तीन हो गए हमारे, चौथा देख लीजिए आप, चौथा क्या हमारे में, चौथा है दी ऑथर ऑथर्स ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड मदर, दी ऑथर्स ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्वेशन विथ, तो इसका चौथे का आपका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवी का आपका आंसर हो जाएगा, पांचवी का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। छठवा देखिए, छठवा जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, आर्ट ब्रन, ठीक है। इसके बाद देखिए आठवा क्वेश्चन देख लीजिए आप, आठवा क्वेश्चन है आपका, सॉरी जो आपका छठवा क्वेश्चन है आपका, पांच हो गया ना, छठवा क्वेश्चन है, छठवी का क्या बताया मैंने आपको, छठवी का आपका ए वाला है, ठीक है, प्रे, क्या है छठवी का आपका ए वाला प्रे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आठवा देख लीजिए, सातवा देख लीजिए आप, सातवा, सातवा क्या है आपका, सातवीं में सॉरी छह ही है इसमें, है ना, इसमें छह ही क्वेश्चन है, तो छह मैंने बता दिए, इसमें क्या है छठवीं में ए वाला। अब देखिए यहाँ से हमारे क्या आ जाती है, शॉर्ट टर्म वाली और लॉन्ग टर्म वाली क्वेश्चन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें ये आपके कितने कितने नंबर की आती है, दो दो नंबर की, ठीक है। तो इसको देख लीजिए आप, इसको क्या देखा हमने, तो नौवीं का एक क्वेश्चन जो आंसर आंसर दी आंसर एनी टू ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या करना, पहला क्वेश्चन देखिए इसको पढ़िए, तो पहले का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से इसको याद कर लीजिए। इसके बाद नौवीं का पहला, आप नौवीं का दूसरा देख लीजिए, नौवीं में कितने क्वेश्चन हम करने हैं, दो, है ना। तो अब नौवीं का दूसरा देख लीजिए, नौवीं का दूसरा है आपका, ये रहा आपका नौवीं का दूसरा, इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा भी देख लीजिए आप, तीसरा, ठीक है, इसका तीसरा भी देख लीजिए क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लीजिए, ठीक है, आंसर भी इसका यहाँ पे दिया गया है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब करना आप जितने क्वेश्चन में बोले गए उतने ही करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें आंसर एनी फोर ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे आपको क्वेश्चन दे रहेंगे उसमें से आपको कितने करने हैं, फोर करने हैं। तो देखिए चार क्वेश्चनों के मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, आपका पहला क्वेश्चन है, ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन का, क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देखिए, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन दसवीं का, ठीक है, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। इसके बाद ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन दसवीं का, ये हमारा दसवीं का तीसरा क्वेश्चन और उसका आंसर भी दिया गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये रहा हमारा दसवीं का चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और उसका आंसर भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्यारहवा, ग्यारहवा में देखिए, ग्यारहवीं में क्या हमें कितने करने हैं, एनी वन करना है, और ये हमारा लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका पूरा आंसर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिए आप अच्छे से। ये आपका ग्यारहवीं का आंसर हो गया, आपका ग्यारहवीं का पूरा आंसर है, ठीक है, ग्यारहवीं की पहले का आंसर। इसके आगे अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए आप, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए उसी का आगे जो आपका ये आंसर है यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है, लॉन्ग टर्म वाला आंसर है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में लिखना पड़ेगा इसको। तो ये आपका यहाँ है जो आपका यहाँ तक आपका सातवीं का मतलब आठ जो आपका पहला वाला आंसर है ग्यारहवीं का, तो आपका यहाँ तक लिखा, इसके आगे देखिए इसके आगे और भी आंसर है, ए है इसी के आगे का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आ गया बारहवीं का पहला, अभी बारहवीं का पहला आ गया, ये क्वेश्चन हम आपका दिया गया है यहाँ पे, व्हाट डज दी पोएम टेल यू अबाउट दी पोएट्स मदर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आगे और देखिए इसके आगे, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है यहाँ तक, इसके बाद यहाँ से हमारा दूसरे क्वेश्चन का क्या लग गया आंसर। तो यहाँ ये आंसर इतना ये है, इसके आगे और भी आंसर देख लीजिए, ये है इसी का उसी में और भी है देखिए इसकी, ठीक है ना। तो इसको आपने देखा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, इसको देख लीजिए, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें हमें क्या करना है, एक नोटिस बनाना, नोटिस लिखना, ठीक है। अब नोटिस के क्या लिखना है, गांधी मेमोरियल स्कूल भोपाल, भोपाल को क्या करना है, एक नोटिस लिखना है, ठीक है। तो नोटिस में जो जो कंडीशन दिए हैं पहले, तो उस कंडीशन को पढ़ लीजिए आप, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। कंडीशन पढ़िए आप, देखिए यहाँ पे पूरा आंसर उसका दिया है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको, समझाने के लिए टाइम नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पेपर कल आपके पेपर है, तो आप इसको अच्छे से इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे, ठीक है। इसके बाद मैंने और भी नोटिस एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर वगैरह मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट कर लेना, ठीक है ना। तो उस पर मैंने सभी प्रकार के, उसमें बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत ही
इजीली तरीके से मैंने उसमें समझाया उस वीडियो में, और अच्छे से मैंने उसमें नोटिस बताए, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं, पोस्टर वगैरह हैं, वो मैंने सब कुछ उसमें बताया। तो आप उसको मेरे एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिए और नोटिस, पोस्टर, एप्लीकेशन लेटर वगैरह को एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया, इसके बाद एक और देख लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें क्या करना है हमारा, एक एग्जीबिशन है, ठीक है, एक एग्जीबिशन में क्या करना है हमें, साइंस एग्जीबिशन का एग्जीबिशन पर हमें क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद एक नीचे दिया गया है, इसमें भी हमें एक पोस्टर बनाना है एजुकेशन के बाद, ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसके, ये हमारा देखिए, उसको छोड़ दिए, पोस्टर आप देख सकते हैं, पोस्टर मैंने आपको बताया, पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन लेटर, सब कुछ मैंने अपनी चैनल पर अपलोड कर रखा। तो आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट की, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके डायरेक्ट पूरा खोल सकते हैं, पूरा खोल के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए ये रहा हमारा, अब इसको देखिए, इसको जो पूरा एक क्वेश्चन है, ये क्या है, पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या करना है हमें, एक एप्लीकेशन लिखनी, ठीक है, एप्लीकेशन लिखनी है हमें, इसको देख लीजिए, एक लेटर लिखना है, लेटर लिखना है। तो इस लेटर को देखिए, लेटर का पूरा पैटर्न है, लेटर लिखा हुआ है, तो इसको देख लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखा आपने, इसको नोट कर लिया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके आगे एक ए है, ठीक है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये वाला ये पूरा नहीं है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से लिखना है, ये पूरा पैटर्न है, पूरा अच्छे से रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो देखिए अब जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन आपको बताए हैं, और जो भी इसमें, जो कि मैंने आपको पोस्टर बताया था कि मैंने पोस्टर, तो मैंने वो पोस्टर, एप्लीकेशन लेटर सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो एक बार मेरे चैनल पर आप विजिट कर लीजिए, ठीक है ना, और उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने वहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, बहुत ही ईजी तरीके से उसको समझाया, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो आप वहाँ मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।